करेंगे, मार देंगे, इस देश के लिए मार देंगे ना। फौज का जवान भी तो मौत का कमर बांध के कुर्बानी देता है ना, तो हमको मार देंगे तो क्या होगा, क्या होगा, मार दे हमारे हमारे बार और उठेंगे। आखिरी जब बम्बों से दोबारा बिट्टे की मौत आएगी ना, भारत माँ से क्या मांगता हूं, गुरु अपने साहबानों से आखिरी शब्द ये निकले, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात बंदे मातरम, मुर्दाबाद खालिस्तान, इन देशद्रोहियों के खिलाफ लड़ते लड़ते जीवन जाए। क्यों हम चुप रहते, मैं बोलता हूं ना, इनकी ऐसी की तैसी, खालिस्तान ना कभी बना था ना बनेगा, ना कभी बनने देंगे, बनेगा बिट्टा के टूटा हुआ बंदों का शरीर हमारी लाशों पे गुजर जाएगा। पूरी दुनिया कहती है सिख कौम तो सबसे बड़ी मानवता की कौम है, उन्होंने किए थे जनाब कर्म, उन्होंने की थी मानवता की रक्षा, उन्होंने किए थे तप जप, उन्होंने हिंदू की भी, मुसलमान की भी, ईसाई की भी, ये हमारा धर्म था सिख कौम, मानवता की रक्षा की। ठीक है, मैं समझा आपकी बात, सीधे बिट्टा साहब के पास चलता हूँ। बिट्टा साहब, मेरा सीधा सवाल, ये क्यों हो रहा है और ये एक्सट्रीमिज्म कनाडा कैसे पहुंचा, कौन इसको पाल पोस रहा है, उसके बाद में पॉलिटिकल डिस्कशन पे जाऊंगा जो उपाध्याय और हरजीत सिंह भुल्लर साहब के साथ। बट बिट्टा साहब देखो, मैं जो मेरा एक जिंदगी का अनुभव है, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। पंजाब किसने बर्बाद किया, हम पॉलिटिशियनों ने पंजाब को बर्बाद किया, हमने वोट की खातर, धर्म की ठेकेदारी की खातर आतंकवाद लाए, सदा राज करेंगे पंजाब के, सदा, अब कौन सी पार्टी किसका जिक्र ये आप समझ जाएंगे, सदा राज करेंगे, सदा राज करते करते ये मिला, ये खालिस्तान कहां तक आवाज पहुंच गई, 36,000 लोग भी मारे गए और बच्चे भी यतीम हुए और बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ और नार्को टेररिज्म हुआ और विदेशों में पंजाब के मां बाप ने बच्चे विदेशों में भेज दिए। अब यही प्रॉब्लम आज कनाडा में है, इलेक्शन आने वाला है, खालिस्तानियों की वोट चाहिए। अरे वोट की खातर किसी दूसरे देश को आप बर्बाद कर दोगे, किसी दूसरे देश के अंदर आतंकवाद फैलाओगे। मैं देखो एक बात स्पष्ट कहूं, 100 बातों का एक जवाब, क्या जवाब, क्या हम सरदार लोग हिंदुस्तान के नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान की धरती पे हमारे गुरु साहबानों ने कुर्बानियां शहादतें इस बार भारत के लिए नहीं दिया, हमेशा धरने हमेशा प्रदर्शन, आज भगत सिंह को आतंकवादी कह दे, आज खालिस्तान के नारे कनाडा अमेरिका जर्मनी में यूके में लग जाए, तिरंगे झंडे हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के खून से तिरंगे झंडे को पैरों में फुटबॉल से खेला जाए और भारत माँ को गाली दी जाए और हमारी सिख कौम के सरदार साहब गुरुद्वारा साहब के अंदर हमेशा इकट्ठे होते हैं, मानवता हमेशा दुनिया बची रहे, आज क्यों हम बाहर नहीं आते। एक ही जवाब है सारी बातों का दीपक जी, उसके बाद रखना नहीं रखना ये आप देखें। जिस दिन पंजाब की तरह, हमारी तरह, सारी पॉलिटिकल पार्टियों की तरह पूरे हिंदुस्तान के सरदार साहब जिनके ऊपर दुनिया गर्व करती है कि सरदार है, ये सिख कौम की शान है, गुरुद्वारा साहब के अंदर अरदास करें और मीडिया को बुला के कहें हम इन देशद्रोहियों के खिलाफ हैं, हम ये पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वालों के खिलाफ हैं, हम आतंकवाद नहीं चाहते, हम खालिस्तान नहीं चाहते। दीपक चौरसिया जी बोलेंगे, ये पहले प्रवक्ता इतना सुंदर बोले, बोलेंगे अरे ये तो हिंदू है, अरे ये तो फिरका प्रस्त है, और सरदार साहब सड़कों पर बिना निकले तो कैसे मसला हल होगा, ना बम की जरूरत, ना कोली की जरूरत, ना सरकार की जरूरत, ना एनआईए की जरूरत। मैं दावे से कसम खा के कहता, मेरा अनुभव है, जिस दिन हिंदुस्तान के सरदार साहब सड़कों पे प्रदर्शन तिरंगे झंडे निकल आएंगे, ये पन्नू पन्नू, ये विदेशों में बैठे हुए पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले, इनकी ऐसी की तैसी, ये आपको मिलेंगे ही नहीं, वहां खालिस्तान की आवाज उठे और यहाँ पे सारे सरदार साहब हम चुप, हम दो चार लोग को पोलिटिकल पार्टियों में बीजेपी बुला लो और दो चार बुला लो जिनको रोज बुलाते, हो गया काम। अरे आम सरदार साहब क्यों ना सड़के निकले, क्या उसका भारत नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल कह रहा हूं दीपक जी। आपने हल्क जी कड़क बात कहती, अरे दीपक जी तो हिंदू है, वाह, हिंदू सिख नौ बात का रिश्ता, हिंदू सिख करोटी बेटी का रिश्ता, हमारी बेटियां, हमारे बेटे उनकी बेटियां, सरदार हिंदू को फर्क ही नहीं, फर्क डालने वाले कौन है, हमारी जबान चुप, क्यों हम चुप रहते, मैं बोलता हूं ना, इनकी ऐसी की तैसी, खालिस्तान ना कभी बना था ना बनेगा, ना कभी बनने देंगे, बनेगा बिट्टा के टूटा हुआ बंदों का शरीर हमारी लाशों पे गुजर जाएगा। प्रथम राष्ट्र है, प्रथम राष्ट्र
बात निकले पर क्यों निकलते हैं? लगेगी मेरी बुरी बातें, गाली निकालेंगे फेसबुक ने, निकालो प्रथम रास्ता मेरे लिए, क्यों ना सरदार साहब बाहर निकले, अरे भारत माता पे आ जा जाए, हमारे तिरंगे डंडों को पैरों पे रोता जाए और हमारे सरदार साहब घर में कहे ये तो बड़ा हुआ बुरा हुआ, ऐसे नहीं होता, जबान खोलनी होगी इन बदमाशों के खिलाफ। AK-47 की तरह लगेगी, मैं पंजाब में लड़ा ना, AK-47 जब बोलते थे ना इनको AK-47 की तरह लगती थी, चलाते नहीं थे, जबान को तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम ही सरदार हो, हम सरदार नहीं है, हम अपने भारत माँ के साथ धोखा करेंगे क्या, हम भारत माँ का अपमान कितनी देर बर्दाश्त करेंगे। संगीत सिद्धू बॉर्डर पे धरना, वहां पहले इंदिरा मारी, अब नरेंद्र मोदी को मारेंगे, अमित शाह को मार देंगे, बिट्टा को मार देंगे, आदमी को पकड़ेंगे तलबानियों की तरह काट काट के, हम तलबानी है क्या, हमारी पहचान पगड़ी की मानवता है, हमारी सिखों की पगड़ी, साहबानों ने गुरु साहबानों ने तप जप कुर्बानियां दी और पगड़ियां हमारे सिर पे सजा दी, आज हमारी पगड़ी की पहचान साहब क्या बन रही, पूरा हिंदुस्तान दीपक जी घूमता, लोग मेरे से सवाल पूछते हैं अरे ये क्या हो रहा है, अरे आप तो हमारे बड़े भाई हो, 19,000 लोगों को मार दिया खालिस्तानियों ने, फिर भी आप सिख कौम हमारे बड़े भाई हो, और हम क्या जवाब दें, दीपक जी आंखों में आंसू आ जाते, बिट्टा बोले तो कौम का गदार, कोई बात नहीं कह दो कौम का, भारत माँ का बिट्टा को गदार ना कहे, मर जाऊं भारत माँ का गदार ना कहे, कौम का गदार 100 बार कह दो, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, इनकी ऐसी की तैसी बदमाशों की, खालिस्तान बनाएंगे, कौन सा खालिस्तान बनाएंगे, आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, याद रखना, सिख समाज के आगे सिर झुकाया था, झुकाता है, झुकाता रहेगा, पर आप इतनी कमजोरी समझ ली, आपने लाल किला के अंदर तिरंगे झंडे का किसान आंदोलन में अपमान कर दिया और नरेंद्र मोदी जी देखते रहे, क्यों देखते रहे पता, कहता मेरी सिख कौम है, इन योद्धों के ऊपर इन उनके ऊपर गोली ना चले, पुलिस वालों को रोल दिया दिल्ली पुलिस वालों को पैरों पे, उनका इनको कुछ नहीं कहना, इसकी लाठी इनकी चपेट खा लेना, क्या नरेंद्र मोदी जी ने कुछ कहा, मैं वीर बाल दिवस छोटे साहबजादों का, गुरु गोबिंद सिंह के साहबजादे, पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया, हर अंबेसी में, हर हिंदुस्तान में गवर्नर और सीएम हाउस में मनाया जाएगा, क्या कभी किया 84 के दंगों के ऊपर, क्या कांग्रेस ने कभी माफी मांगी किसान आंदोलन के अंदर, देश का कानून माफी मांगी, मेरे से गलती हो गई, कमाल है यार, रोज हमारे में इतना हंकार आ गया, असली सरदार है, अरे सरदार बनो जगजीत सिंह अरोड़ा जी वर्गे, सरदार बनो एयर मार्शल अर्जन सिंह वर्गे, सरदार बनो दुनिया जी जैसे जिसने सर्जिकल ऑपरेशन किया था, अरे हमारे सिखों को बदनाम कर रहे हैं, हमारी पगड़ी पर धाग लगा रहे हैं, क्या हमने बुरा किया, ये चंद लोगों के कारण पूरी सिख कौम बदनाम हो जाएगी, और बदनाम इसलिए हो रही है क्योंकि हम में से कोई बोलता नहीं, ठीक है, मैं बेटा साहब, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, आपने एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप आतंकवाद के खिलाफ इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं, आपकी कई बार जान लेने की कोशिश हुई, आपके साथ आपके काफिले के कई सारे साथी मारे गए, कई जवान शहीद हुए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपको लग रहा है कि अगर सिख कौम सड़कों पर नहीं निकल रही है तो क्या बिट्टा इस बात की अगुवाई करेंगे कि सिख समाज सड़कों पर निकले और इन खालिस्तानियों का विरोध करे, हिंदुस्तान के अंदर क्या आप इसकी अगुवाई करेंगे, मेरी बात सुनो, मैं बताऊं, अरे हमारे गुरु महाराज उस वक्त फौज कहती थी 100,00,000 में एक लड़ाऊं फिर गोविंद नाम के लाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लाऊं फिर गोविंद नाम, अरे अकेला ही बहुत हूं दुनिया में बैठे हुए सच्चे भारती का, आप जैसे लोगों का मुझे ब्लेसिंग चाहिए, मैं क्यों किसी के तरले मारूं, मेरे साथ चलो भाई, दिल से आवाज आनी चाहिए जैसे मेरी दिल से, मैं कहूँ किसी मैं नहीं मारता किसी के तर्रे, इनको इनको इनका भारत नहीं है, अगर मेरा भारत है इनका भारत नहीं है, ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां पूरे हिंदुस्तान की, इतने गुरुद्वारा साफ सजाए, क्या पूरे हिंदुस्तान में किसी सिख समाज का अपमान हुआ, हाँ 84 के दंगे हुए, 84 के दंगे इन लोगों की गलतियों के कारण हुए, क्यों मारे इंदिरा गांधी, कानूनी कार्रवाई करते, वो बेचारे 84 के दंगे बेमासूम, ना लेना ना देना बेचारों को, गले में रोल के रख दिया बेकसूरों को, ऐसे बदमाशों की गलतियों से पंजाब में 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम कर दिया, उसका कोई जिक्र करने वाला है, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम कर दिया को बोलने वाला है, नहीं बोलने वाले ये हैं, ये यूके वाले भाग के गए, ये हमारे योद्धे हैं जिन्होंने पंजाब में अंदर किसी के हाथ में बंदूक नहीं, किसी के हाथ में कृपान नहीं, किसी के हाथ में तरछून नहीं, मां बाप के लिए रोटी कमाने के लिए मार दिया उनको, वो बेकार, और ये बहादुर योद्धे, ये पंजाब का सोशल मीडिया देख लो, पंजाब के अंदर सोशल मीडिया इन बैंक डकैतों के बेगुनाहों के कारण रोज वीडियो बनती है, क्या बात करते दीपक जी, कैसे बचाएंगे हम देश को,
अगर हमारी कौम में से लोग नहीं निकलेंगे, 100 बात का एक जवाब, ना मोदी जी की जरूरत, ना डिफेंस की, ना एनआईए। जिस दिन हिंदुस्तान का सरदार था सड़क पे तिरंगा झंडा लेके, हमारी हम नहीं अगुवाई करेंगे, कहेंगे ये पॉलिटिक्स करते, बीजेपी कांग्रेस अगुवाई नहीं करेगी। आम जिस तरीके से 26/11 की घटना हुई, पूरा बॉम्बे सड़कों पे आ गया था, उसकी अगुवाई करने वाला कोई लीडर नहीं था। जिस दिन आ जाएंगे ना, जब मैं दावे से कहता हूं ये चैनलों में खारिज कांड की डिस्कशन बंद है, लिख लेना, ये मेरी जिंदगी का 40-42 साल का तजर्बा है। ठीक है, मरना मुर्रा क्या है, क्या मरना है, वो कहते हैं ना। ठीक है, मैं सीधे बेटा साहब आप पहले तो जो बुल्लर साहब ने कहा, बड़ी एक अनुभवी बातें की बुल्लर साहब ने, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। सारे सिख समाज पूरी दुनिया के अंदर एक जैसे नहीं है, 2 तरह के सिख समाज हैं। एक सिख समाज है जो गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर, लाल किला के पास चांदनी चौक में शीश को निछावर किया। एक है गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगीधर, जिनके साहबजादों ने कुर्बानियां दी, उनकी स्वरूप है, हम फोटो नहीं कहते, फोटो कहना, स्वरूप है गुरुद्वारा उस वक्त के अंदर। और 10-9 की खून की कमाई से वो सिख समाज में गुरुद्वारा साहब सजाए हैं। ठीक, एक गुरुद्वारा साहब है जो निज्जर, बदमाश, गुंडा, खालिस्तानी, देशद्रोही मारने वाला लोगों को, ये गुरुद्वारा साहब जिन्होंने पंजाब में 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया, 19,000 अपने हिंदू भाइयों को मारा और विदेशों में भाग गए, जर्मनी, कनाडा, यूके के अंदर भाग गए, और ऊपर बेगुनाहों के कातरों की तस्वीरें, नीचे पवित्र गुरु ग्रंथ साहब, जो दुनिया हर मजहब हर धर्म उस हरमंदर साहब के आगे सिर झुका के नमस्तक होता है, 2% सिख आबादी के सामने। अब बताओ, एक तरफ चंद लोग, और दूसरी बात मैं इनको कहूंगा, बिल्कुल हमारे गुरु साहबानों ने कुर्बानियां की, ना आपको कहने की जरूरत है, ना मुझे, ना दुनिया में, पूरी दुनिया कहती है सिख कौम तो सबसे बड़ी मानवता की कौम है। उन्होंने किए थे जनाब कर्म, उन्होंने की थी मानवता की रक्षा, उन्होंने किए थे तप जप, उन्होंने हिंदू की भी, मुसलमान की भी, ईसाई की भी, ये हमारा धर्म था सिख कौम मानवता की रक्षा की। जैसे दीपक जी आपने बोला कि सिख कौम के बारे में आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया, पहले मैं कहती थी मैं 2 पुत्र हैं हिंदू परिवार से, एक को सिख बढ़ाऊंगी, और सरदार साहब किसी गाड़ी या बस में होते थे, लेडीज होती थी, कहने अरे सरदार साहब बैठे, मुझे तो फिक्र नहीं, उनके थे कर्म। आज के कर्म क्या है मैं पूछना चाहता हूं, हमारे कर्म क्या है, हम बार बार कुर्बानियां ना जिताए, इन्होंने कर्म करके हमारी कौम को बदनाम नहीं किया, इन्होंने कर्म करके गुरुओं की कौम को बदनाम नहीं किया, कि वो 36,000 लोगों को मारा था इन्होंने, इनके पास सवाल का जवाब है, कि वो रोज कुर्बानी निकाल करके गुरु महाराज की कौम को जो अपमानित करते, इनके कर्म क्या है, जगजीत सिंह अरोड़ा के कर्म थे, एयर मार्शल के अर्जुन सिंह के कर्म थे, हमारे गुरु भगत सिंह के कर्म थे, आज भगत सिंह को आतंकवादी कह दिया, बिल्कुल हमारे इतिहास के साथ इन गुंडों, इन बदमाशों, इन खालिस्तानी देशद्रोहियों के साथ मत जोड़िए, इनके कर्मों की बात कीजिए, उनके कर्म महान थे, उनके 2% की आबादी हर धर्म सिर झुकाता है, और इनके आगे ये हमारी कौम को बदनाम करने बोलना ना, इनकी ऐसी की तैसी, आज खुल करके हम बोले, अगर तभी आवाज में बोलेंगे ना, मेरा लीडर नाराज हो जाएगा, मेरा फलाना, मेरा मेरी सिख कौम हो जाए जिसने नाराज होना है, हमसे पहले भारत है। मैं कहता हूं ना, ये रोज धमकियां देते, बिट्टा तेरे ते बम चलाएंगे, इनको बार बार कहता हूं, एक शाम चिरागों में सजा रखी है, छत लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली पे उठा रखी है, आखिरी जब बम्बों से दोबारा बिट्टे की मौत आएगी ना, भारत मां से क्या मांगता हूं, गुरु अपने साहबानों से आखिरी शब्द ये निकले, मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात बंदे मातरम, मुर्दाबाद खालिस्तान, इन देशद्रोहियों के खिलाफ लड़ते लड़ते जीवन जाए हाथ हो गई, तभी जवान में बातें करेंगे, गुरुओं की कुर्बानियों को कह करके कोई किसी को बताने की जरूरत ना करे, पूरी दुनिया जानती है सिख इतिहास कुर्बानियों शहादतों से जुड़ा हुआ है। 2% की आबादी, हमें क्या नहीं मिला जी, ज्ञानी जैल सिंह हिंदुस्तान के राष्ट्रपति, ज्ञानी जैल सिंह हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर, साहब बूटा सिंह होम मिनिस्टर, सरदार मनमोहन सिंह 2% को 10 साल प्राइम मिनिस्टर, एयर मार्शल अर्जुन सिंह चीफ आर्मी चीफ,
जगजीत सिंह अरोड़ा पहला डिफेंस मिनिस्टर, सरदार दिलबाग सिंह पहला फॉरेन मिनिस्टर, सरदार स्वर्ण सिंह पहला चीफ जस्टिस इंडिया, जस्टिस कुलदीप सिंह खैरा, जुगिंदर सिंह चीफ, 2% को हमको मिला। क्या किसी हिंदू ने, ईसाई ने, मुसलमान ने ये कहा ये 2% को दे दिया, ये हमारी सिख कौम की इज्जत है, हमारे गुरुओं की कुर्बानी, हमारे गुरुओं के तप जप, उन कुर्बानियों के साथ हमें मिलाने पापी, हम पापी है। दीपक जी मैं भी पापी गुनाहगार हूं, हमको उनकी कुर्बानियों से मत मिलाया जाए। इन्होंने गंदों ने बदमाशों ने क्या कर्म किए, इनके कर्मों से हमारे गुरु साहबान की पगड़ी पे आ जा रही है। खुल के बोले इनके खिलाफ, बदमाशों के खिलाफ, मारना तो मार दे, किसी को दे दो कुर्बानी, पर दबी आवाज में जो भी बोलेगा, अपनी अपनी पार्टियों को कुछ करेगा, सिख समुदाय के खालिस्तानियों के बचने के लिए करेगा, वो इस मुल्क के साथ धोखा है, वो इस भारत माता के साथ पेट पे छुरी है। ललकारो इन बदमाशों को, खालिस्तान के खिलाफ है हम, ललकारो। जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर हर हिंदुस्तान के कोने कोने से हर गुरुद्वारा साहब में आवाज उठेगी इन बदमाशों के खिलाफ है, मोदी जी की जरूरत नहीं, सरकार की जरूरत नहीं, किसी की AK-47 की जरूरत, देखना इनकी ऐसी की तैसी जी आवाज आ जाएगी ना, मुझे पकड़ लेना, आवाज नहीं निकलेगी। अरे निकलता है कोई नहीं, हम दो चार बोले, किसी ने यह कह दिया, ऐसे नहीं चलता जनाब। हमने लड़ाई लड़ी है ना पंजाब में, कभी झुके? आज किसी MP की इंटरव्यू लेने चले जाओ पंजाब की, वो कहता ना जी ना, मुझे कई पत्र, हम नहीं इंटरव्यू देते। सिमरनजीत सिंह मान लो मेरी इंटरव्यू ले लो, जिसने ये बाहर गलत पासपोर्ट देके भगाए, वाय क्यों ना बोले कोई लीडर, क्यों ना बोले, पूछना चाहता हूं क्यों वोटें ली थी इनसे, आज हमारी पंजाब की जवानी बर्बाद कर दी, हमारे बच्चे विदेशों में फंस गए, अब उसके नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार है, मैं पूछना चाहता हूं, अब उसके लिए सरकार फॉरेन मिनिस्ट्री जिम्मेदार है, गलतियां ये करे बदमाश कुंडे लोग, और जिम्मेदार मोदी जी क्यों, सिख समुदाय के लीडर क्यों ना आए, अकाल तख्त के जत्थेदार क्यों ना ऐलान करे साहब कि हम इन बदमाशों के खिलाफ है। ऐसे नहीं चलता दीपक जी, दो फतरी बात पे कुछ होने वाला नहीं है, ये चलता रहेगा। एक ही बात आखिरी में कहूंगा, पहले भी अब भी, जिस दिन हिंदुस्तान का सिख समाज गुरुद्वारा साहब के अंदर सिर झुका करके कहेगा ये महाराज, ये हमारी कौम को बदनाम करने वाले गुंडे बदमाश, हमारे गुरु साहबानों को बदनाम करने वाले, इनसे हमारा वास्ता नहीं, मीडिया खड़े कर लो, देखो फिर जलवा देखो, ये सब समस्या के चुपके घर में बैठ जाएंगे, हम बोलते ही नहीं, विदेशों में तो बोलना मुश्किल है मैं मानता हूं, नुकसान करेंगे, हिंदुस्तान में तो बोले। अब पंजाब के सोशल मीडिया की बात की, एक ऐसा चैनल पंजाब के अंदर रजिस्ट्रेशन उसकी पता कहा कि UK की, सुंदर दस्तार सजाई हुई सुंदर, और क्या कहता है ये आतंकवादी की इंटरव्यू, इसने 10 करोड़ की बैंक डकैती की, खुल के कहता है मैंने 50 लोग मारे, मैंने बच्चों से निकाल करके 8 लोगों को मारा, वाय वो कौम के लीडर कहां, सरकारें बैठी है कहां, एजेंसी बैठी है, ये कनाडा से नहीं चल रहा चैनल, पंजाब में ऐसे चैनल चलने शुरू हो गए, हम बोलते रहेंगे वो चैनल के जरिए विदेशों से पैसा आके बर्बादी का, आपके भी तो चैनल है, आपकी एक लक्ष्मण रेखा है, आप कहते देश का नुकसान ना हो, आप कहते पंजाब के हालात ना खराब हो, यही कहते हैं ना, सोच के बात करते हैं कि हम एक भारतीय हैं, तो पंजाब के अंदर जो चैनल वाले वो भारतीय हैं, वो लगता है जैसे चैनल कनाडा से चल रहा, कुछ पूछने वाला नहीं इनको, कहां है पुलिस, कहां है एजेंसियां पंजाब की, या कहां और एजेंसियां, सवाल पूछना चाहता हूं, कितने लड़ेंगे हम, जितना दम है बम्बों गोलियों से लड़ेंगे, नहीं कोई चलता ना साथ चले, हम अकेले बहुत है, भगवान कृपा करे गुरु महाराज, इनकी ऐसी की तैसी, खालिस्तान ना कभी बना था ना कभी बनने देंगे, गारंटी से कहते आखिरी चीख भी निकलेगी ना, वो चीख भी यही निकलेगी, वंदे मातरम भारत माता की जय। कमाल है यार, 2 करोड़ की जनता पूरी दुनिया में हमारी पगड़ी को बदनाम कर दिया, अभी भी हम ऐसे बोल रहे हैं धीरे 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 धीरे, और एक नाराज आ रहे खुल के बोल के, तो देखो क्या करेंगे, मार देंगे, इस देश के लिए मार देंगे ना, फौज का जवान भी तो मौत का कफन बांध के कुर्बानी देता है ना, तो हमको मार देंगे तो क्या होगा, क्या होगा, मार दे हमारे हमारे बाहर और उठेंगे, हर चीज मोदी जी, हर चीज सरकार, सरकार ने पासपोर्ट बंद कर दिए तो सरकार क्या करे, जब कौम में से कोई नहीं निकलेगा सरकार क्या करे, क्या सरकार भारत के टुकड़े टुकड़े करा ले, क्या भारत के टुकड़े टुकड़े करा के भूखे नंगे पाकिस्तान से मिला ले, क्या ये हमारी औकात है, बिल्कुल नहीं, हम पहले भारतीय, हम सरदार बाद में, हमको सबको बता दे किसी ने मार ना मार दे, पहले मैं भारतीय हूं, मुझे फख्र है भारतीय होने पे, फिर मैं सरदार हूं, अगर दो तरफा बात करेंगे ना
तो ये गया काम, हमारी कौम को ये सड़कों पे ले आएंगे, जुलूस निकाल देंगे। आपको देखा होगा लाल किला के अंदर अपमान हुआ तिरंगे झंडे का, क्या नरेंद्र मोदी जी ने किसी को कहा इन पे गोलियां चला दो, लाठी चला दो? वो पीला पटका बांध के हाथ जोड़ते रहते हैं, हरमंदर साहब हर जगह पे जाते हैं, करतारपुर साहब का रास्ता खोला उन्होंने जबकि सर्जिकल स्ट्राइक चल रही थी, जबकि भावुक है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, मैं आपकी भावनाएं भी समझ रहा हूँ, लेकिन देखिए जब देश का सवाल आए तो देश के हर नागरिक को एक स्वर में कहना चाहिए एक ही बात। क्या बात कहनी चाहिए? वंदे मातरम, भारत माता की जय, और इस भारत माता के लिए हम मरने मिटने सबके लिए तैयार हैं। और ये जैसे सेपरेटिस्ट और आतंकवादी फोर्सेस हैं, ये इस भारत के सामने कभी सफल नहीं होंगे।